उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उम्मीदों के मुताबिक जीत हासिल ना कर पाने से बीजेपी नेता अब तक हैरान है और इसकी पड़ताल करने में जुटे हैं। रविवार को पार्टी ने लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में काफी कुछ देखने को मिला। सम्मेलन में संगठन और सरकार के बीच तलवार खींची देखी गई और दोनों ही अलग अलग नजर खेमे में खड़े नजर आए। यूपी में बीजेपी के हार के कारणों की खोज के बीच अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। बता दें कि उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए मंगलवार यानी 16 जुलाई को दिल्ली पहुंचे हैं। इस मुलाकात की चर्चा इसलिए काफी है क्योंकि रविवार को लखनऊ में हुए पार्टी के सम्मेलन में काफी कुछ देखने को मिला था। केशव प्रसाद मौर्य ने सम्मेलन में संगठन को सरकार से ऊपर बताया तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैकफुट में आ जाने की नसीहत दी। सूबे में पार्टी की हार और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के हालिया बयान के बाद इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बता दें कि बीते रविवार को लखनऊ में हुए कार्यकर्ताओं को लेकर केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़ी बात कह गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जो आपका दर्द है वही मेरा भी दर्द है। सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और संगठन रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सात कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुला है। वहीं सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोलते हुए अपनी अलग लकीर खींच डाली। मुख्यमंत्री ने अपने गवर्नेंस को लेकर साफ कर दिया कि जिस अंदाज में उनकी सरकार चल रही है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से भाजपा के नेता और सरकार में उनके सहयोगी पार्टी के नेताओं ने यूपी सरकार को कई मुद्दों पर खुलकर घेरा है, जिसके बाद अब यूपी में पार्टी के हार के बाद कहा जा रहा है कि अंदरूनी कलह सतह पर आने लगी है, जिसकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य को बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंच गए। इसमें अब उनकी मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से और अमित शाह और प्रधानमंत्री जी से भी हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की इस राजनीति पर आपकी क्या राय? क्या सच में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने वाला है या फिर योगी आदित्यनाथ ऐसी चाल चलेंगे कि तमाम सारे उनके विरोधी देखते रह जाएं?